गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं राजमा की सब्ज़ी। ये हमने 2-3 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिए थे पानी में डाल के। ये हमारे फूल चुके हैं अच्छे से। अब इसको मिक्सी जार में पीस लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, 1 लहसुन, 2 हरी मिर्च, 1-2 डाल सकते हैं। पानी डाल देंगे थोड़ा सा और इसमें नमक डाल देंगे 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच से कम जीरा। अब इसको हम पीस लेंगे। पीस लिया इसको, अब इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरीके का पीसना है हमको। अब इसमें हम 1 प्याज डालेंगे, थोड़ी सी हरी धनिया डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा मिक्स हो चुका है। एक प्लेट में हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। अब ये राजमे इसी में हम डाल देंगे। इसको हम इस तरीके से फैला लेंगे इसी प्लेट में। इधर एक साइड हमने कढ़ाई रख दी, उसमें हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमने जीरा डाला 1/2 चम्मच, थोड़ी सी हींग, अब इसमें हमने ये प्याज लहसुन मिर्च अदरक सब बारीक से काट लिया था उसको डाल दिया। इसको हम भूंजेंगे अच्छे से। ये हमारा भुन चुका है। अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे। ने 1 बड़ा साइज का टमाटर इसको हमने बारीक से काट लिया था। टमाटर को पकने देंगे। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला। नमक अपने कम ज़्यादा कर सकते हैं, ध्यान से डालिएगा। उसमें राजमे में भी हमने नमक डाल दिया था। इसमें हमने लिया है 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे कि मसाला जलने ना पाए नीचे से। अब इसको मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारा मसाला पक चुका है 2-3 मिनट के बाद। हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे यहाँ पे। अब पानी
पानी यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। हमने बीच में कटोरी रख दी, अब इसमें हम पानी डाल देंगे कटोरी में, आधा कटोरी। अब इसी के ऊपर हम प्लेट रख देंगे, वो जो राजमा वाली थी। अब इसको हम ढक देंगे, ढक के कम से कम 7-8 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। फ्लेम को हम मीडियम या लो ही रखेंगे। ये हमने ढक दिया, अब 7-8 मिनट के बाद हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए 7-8 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे, अच्छे सही से निकालना नहीं जल जाएंगे। ये देखिए एकदम साफ निकल रही चक्कू, ये हमारा पक चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये कटोरी का पानी इसी में हम डाल देंगे। हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उतना हम पानी डालेंगे। हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, ये इधर ठंडा हो जाए तभी इसको काटना, नहीं तो ये टूटेगा। जिस तरीके से काटना हो उस तरीके से काट सकते हैं। इधर हमारा मसाला भी तैयार हो चुका है, अब इसी में हम ये डाल दिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। ये हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, हमारी सब्जी बन चुकी। अब इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे। गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी तैयार, राजमा की सब्जी।